जो सरकार की योजनाएं हैं जिनका आप लाभ दिलाने के लिए जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि सिस्टम उस तरीके से ले नहीं रहा, आपको भी बहुत सारी नाराजगियां दिखानी पड़ रही हैं, इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है जो अधिकारी इस तरीके से सरकार की छवि खराब कर रहे हैं? देखिए, योगी जी की सरकार जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके एकदम से उनका कुछ ना कुछ फैसला होता है, और यही मैं इसका फायदा उठा करके जो हमारे क्षेत्र में ठीक से काम नहीं करेंगे उनका मैं सरकार से शिकायत करके कोई यहाँ से या तो हटे या तो नौकरी से हटे। आपने कुछ लोगों की आय से अधिक संपत्ति की जांच की भी मांग की है, अभी जिस तरीके से आप कह रही थी, आदेश दिए हैं आपने कुछ? जो सबसे खराब सिस्टम है, मेरे ही नहीं, मेरे सारे साथी जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं और विधायक हैं, वो आपको बताएंगे कि सबसे मुसीबत वाली जगह है कोटा सिस्टम। कोटा में जो बांटने जो देने वाले हैं वो एक हिस्सा लेते हैं, कभी कभी विधायक एक हिस्सा लेते हैं, इन हिस्सों देते देते वो कोटा वाला निरादर करता है विधवाओं को, गरीबों को, किसी को थोड़ा कम इधर देता है, किसी को चीनी कम देता है, किसी को देता ही नहीं है, क्या करे वो। तो कोटेदार को हम लोग चोर बनाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर के जो अधिकारीगण हैं और कभी कभी विधायक जो है वो एक हिस्सा मांगते हैं। सबसे ज्यादा मुझे इस पर दुख होता है, क्योंकि ये अमीरों की चोरी नहीं है, ये चोरी है उस सबसे छोटी विधवा से जिसके जो बिल्कुल निहत थी, तो इस पर मुझे सबसे ज्यादा संरक्षण देना है मैम, इस पर मेरा सबसे ज्यादा जोर है। मैम, ऐसे अधिकारी जिन लोगों ने जो जनता के बीच भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ लोगों के खिलाफ आपने आय से अधिक संपत्ति की जांच के भी अभी अधिकारियों को कहा है? हाँ, कईयों का मैंने कहा है, और वो होकर के फिर उनकी नौकरी जाए।